नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लो आ गई बड़ी खबर। तो दोस्तों बात करेंगे, जाने किसकी होगी जीत, 40-45 और 60-65। तो दोस्तों इस समय टीम रिजवान अंसारी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, चलिए उसको देखते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग जजमेंट और 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क केस में समतुल्यता। तो दोस्तों पूरे केस को देखते हैं और देखते हैं दोस्तों कि यह 69,000 शिक्षक भर्ती से दोस्तों दोनों केस कैसे समान हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर इस वीडियो के दौरान आपको पता चलेगा आखिर किसकी होगी जीत और फाइनल कटआउट क्या होगी। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को दोस्तों आप भी अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों पूरी अपडेट को पहले देखते हैं। देखिए 18 दिसंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की माननीय जस्टिस एल नागेश्वर राव और माननीय जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की अपील पर फैसला देते हुए JPSC की अपील को बहाल कर दिया। पूरा का पूरा फैसला एकदम शीशे की तरह साफ है। इस फैसले में ना तो किसी की मतलब का तर्क चलेगा ना ही कुतर्क। पूरा जजमेंट माननीय जस्टिस दीपक गुप्ता ने लिखा है। देखिए दोस्तों, JPSC द्वारा प्रवक्ता पद के लिए SLET स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है दोस्तों, परीक्षा 3 चरणों में निर्धारित की गई थी। जो भी अभ्यर्थी प्रथम और द्वितीय चरण को उत्तीर्ण करेगा वे तीसरे चरण की परीक्षा में प्रतिभाग कर सकता था, ये रूल था दोस्तों, यह करेगा। प्रथम और द्वितीय चरण की परीक्षा के कट ऑफ पूर्व में तय कर दिए गए थे, मतलब पहले से दोस्तों डिसाइड था। लेकिन दोस्तों जो तीसरे चरण की परीक्षा में कट ऑफ परीक्षा होने के बाद निर्धारित किए गए, बस विवाद दोस्तों यही से जन्म लेता है। जी हाँ दोस्तों, की विवाद जैसे आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका जब पेपर होता है 6 जनवरी 2019 को, उसके बाद से दोस्तों जब आपका 7 जनवरी, जी हाँ दोस्तों 7 जनवरी 2019 को सरकार की तरफ से एक साधना देश आता है 60 और 65 को लेकर, उसी दिन से दोस्तों आपका पूरा विवाद 69,000 में खड़ा होता है। तो दोस्तों फिर देखिए होता क्या है, ये समझते हैं। ये हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि तृतीय चरण की परीक्षा के लिए विज्ञापन में कट ऑफ निर्धारित नहीं किया गया था। परीक्षा के बाद कटऑफ निर्धारित करने के विषय को हाई कोर्ट ने खेल के नियम, ठीक है, खेल शुरू होने के बाद नहीं बदलते के प्रतिपादन सिद्धांत को रिलेट करते हुए JPSC के इस काम को मूल नियम के विरुद्ध मानते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दे दिया। फिर दोस्तों क्या हुआ, अब इस फैसले को JPSC ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर एकदम साफ सपाट 7 पन्नों का जजमेंट दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सबमिशन दिया कि तृतीय चरण की SLET की परीक्षा के कटऑफ निर्धारण के लिए UGC या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा SLET की तृतीय चरण की परीक्षा के बाद कटऑफ निर्धारित करने के लिए एक परिनियमन समिति या दोस्तों मॉडरेशन कमेटी का निर्माण किया गया है। ये मॉडरेशन कमेटी रिजल्ट जारी करते समय कटऑफ तय करने में मदद करेगी, जो कि दोस्तों 7 सदस्यीय होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि मॉडरेशन कमेटी का कट ऑफ निर्धारित करने का नियम पूर्व में UGC द्वारा निर्धारित था, लिहाजा हाई कोर्ट का ये कहना है कि परीक्षा के बाद पासिंग मार्क लगाना खेल के नियम बदलने जैसा है, तो ये नियम के विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर खेल के बाद नियम बदले ही नहीं गए अपितु ये तो प्रवक्ता पद के योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट के लिए चयन का एक अतिरिक्त पहलू था जिसे मॉडरेशन कमेटी ने अपनाया, जो पूर्व निहित है। लिहाजा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का 9 नवंबर 2016 का फैसला रद्द करते हुए JPSC के पक्ष में फैसला सुना दिया। तो दोस्तों पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है इसको देखते हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क केस इस केस से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर SLET की इस परीक्षा का पैमाना UGC द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें UGC के बनाए गए नियम चले, जबकि इस ARTE की निर्धारणकर्ता एजेंसी सिर्फ स्टेट है। पासिंग मार्क निर्धारण में ऐसा कोई नियम नहीं या नियम ही नहीं है जो कि दोस्तों NCTE ने पूर्व में निर्धारित किया हो, इसलिए 69,000 ATRE और SLET परीक्षा के पासिंग अंक निर्धारण में समानता करना एकदम बेवकूफी है। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती की नियमावली एक ही है। इस नियमावली में कहीं पर भी JPSC की भांति पासिंग अंक तय करने के लिए किसी भी मॉडरेशन कमेटी टाइप की कोई भी समिति गठन मतलब गठित नहीं की गई है, जो कि 69,000 ATRE परीक्षा हो जाने के बाद पासिंग अंक तय करें।
तो दोस्तों ये दोनों केस आपस में एक दूसरे से कतई कोरिलेट नहीं है। जिसे ज्यादा सर्दी सता रही है वही इन दोनों केसों के आभासी संबंध स्थापित करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टीम रिजवान अंसारी की तरफ से अपडेट आई थी कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो दोस्तों, तो आपने देखा कि कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं आजकल 69,000 को भी लेकर। तो दोस्तों, सभी लोग अपनी अपनी तर्क दे रहे हैं कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अब तकरीबन एक साल यहाँ कंप्लीट होने को आ चुके हैं। तो अब कुछ ही दिन दोस्तों आपको बचे हैं, आपको पता है कि नए साल आने के लिए या न्यू ईयर आने के लिए। तो दोस्तों, आपने एक साल से दोस्तों शिक्षक भर्ती को देखा और अंत में दोस्तों ये देखा कि जब दिसंबर आते आते दोस्तों ये शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से, मतलब जैसे ठंड नहीं लग जाती इंसान को, वैसे दोस्तों इस केस को भी ठंड जैसे लग गई और केस पूरी तरीके से रुक सा गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यार जल्द से जल्द दोस्तों कोई फैसला आएगा। अभी दोस्तों आप यहाँ एक बड़ी अपडेट देखते हुए चीज का आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो जरा कि दोस्तों हाई कोर्ट का 9 नवंबर 2016 का फैसला रद्द करते हुए जेपीएससी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। मतलब दोस्तों आज 2019 हो रही, मतलब 3 साल पुराना केस। ये सोचिए दोस्तों आप जरा कि यार जब मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो दोस्तों कितने साल का यहाँ समय बर्बाद होता है बच्चों का। ठीक है, तो आपका भी दोस्तों मामला भी डबल बेंच में चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का। उसके बाद दोस्तों ये श्योर है कि आपका डबल बेंच के बाद आपका मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, सभी को पता है इस बात का। तो दोस्तों यहाँ समय तो जरूर लगेगा। अगर आप लोग देखिए तैयारी करने वाले छात्र हैं, कुछ और तैयारी कर सकते हैं, तो दोस्तों उसको भी ध्यान दीजिए, इस समय फोकस करिए। बिल्कुल 69,000 के भरोसे इस समय बैठना दोस्तों सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी हर एक छात्र के लिए जो दोस्तों सिर्फ 69,000 के सहारे बैठा है। उनको कुछ ना कुछ और भी तैयारी करते रहना है। जहां पर दोस्तों नौकरी मिले उसे ले लीजिए एज अ बैकअप। बैकअप क्या होता है दोस्तों कि कल जब आपको 69,000 में सिलेक्शन हो तो आइए उस जॉब को छोड़कर 69,000 में ले लीजिए। वो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा आपके पास। अगर अभी दोस्तों आप लोग बिल्कुल नहीं होता ना, ठंड जैसे लग रही तो आप लोग बिल्कुल रजाई में पड़ गए, कुछ नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये आगे चलकर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो आपको भी दोस्तों कुछ ना कुछ नया करते रहना है। 69,000 बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको नौकरी जरूर मिलेगी। इसका दावा दोस्तों हमारा YouTube चैनल और हम खुद करते हैं कि आज नहीं तो कल दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों वो कल कब आएगा इसका दोस्तों कोई कुछ भी नहीं कह सकता। शायद किसी को दोस्तों कुछ दिन पहले ये तक भी उम्मीद नहीं थी कि आपका जो केस था, सबको दोस्तों लग रहा था कि दिसंबर तक आपका दोस्तों जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक नहीं हुआ। आपका 12,460 वाला केस का ऑर्डर कब से रिजर्व है कोई फैसला नहीं आ रहा दोस्तों। 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला रिजर्व हो गया, अभी तक कोई फैसला नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों 69,000 का नंबर लगेगा। उसके बाद दोस्तों फैसला कुछ भी आए, सिंपल सी बात आपको समझना है, फैसला कुछ भी आता है तो मामला आपका सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। तो अगर सरकार जीते तो सरकार के पास पावर है कि आपको दोस्तों अंतरिम राहत पर नौकरी दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी आज कुछ बड़ी अपडेट्स अगर आपने देखी हो सीटेट 2019 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी सीटेट का कल रिजल्ट जारी हुआ है। सीटेट 2019 का दोस्तों का रिजल्ट जारी हुआ। सबसे बड़ी चीज़ अगर आपने वहाँ देखी हो, वहाँ पर रिवाइज डांतर की जारी ही नहीं की गई, सीधे रिजल्ट आपका जारी किया गया। 69,000 केस में दोस्तों क्या हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों आपका आंसर की जारी हो चुकी है। सबको पता है कि आंसर की आपकी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या दोस्तों, सीधे रिजल्ट आएगा आंतर की के बाद? कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इस समय कुछ भी पॉसिबल है, आपको इस बात को समझना है। ये मत सोचिए दोस्तों कि हर बार आंतर की के बाद रिवाइज आंतर की आएगी फिर रिजल्ट आएगा। अगर आपने सीटेट का देखा हो दोस्तों तो सीधे आंतर की के बाद आपने रिजल्ट देखा है, वहाँ पर दोस्तों कोई भी रिवाइज आंतर की देखने को नहीं मिली। जबकि दोस्तों उस पर भी पूरा मौका दिया गया था 25 दिसंबर 2019 तक कि आपको एक प्रश्न के लिए आपको 1,000 रुपये देने थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप एक प्रश्न आपके आपत्ति के लिए दोस्तों आपको लग रहा था तो आपको 1,000 रुपये वहाँ खर्च करने पड़ते। तो दोस्तों देखिए सीटेट में कोई बच्चे 35 से नहीं देते, आपको पता कि वो पासिंग मार्क आपका एक पेपर है खाली। अगर आप वहाँ ज़्यादा, जैसे अगर जो बच्चे 100 नंबर पा रहे होंगे वो सबको पता है कि हम 101 नंबर करने के लिए 1,000 रुपये, मतलब होता है 1,000 रुपये कुछ होता है सिर्फ एक नंबर के लिए, तो काफ़ी बच्चे छोड़ दिए। और दोस्तों हो सकता है कि ऑब्जेक्शन किसी बच्चे ने फाइल ना किया तो उसके वजह से दोस्तों सीटेट का जो रिवाइज आंसर की थी वो जारी नहीं की गई और सीधे उनका रिजल्ट जारी किया गया। तो दोस्तों देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में बस इतना कंक्लूज हम करना चाहेंगे कि आप लोग अभी धैर्य रखें, समय लगेगा और कुछ ना कुछ आप तैयारी करते रहें। अगर आपने यूपीटेट 2019 के लिए दोस्तों आवेदन कर रखा है तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते रहिए दोस्तों, आने वाले टाइम में नई शिक्षक भर्ती जरूर आएगी।
और अगर कोई शिक्षक भर्ती आएगी तो हो सकता है कि वो 69,000 से पहले क्लियर भी हो जाए। उसका रीजन ये है ना, 69,000 दोस्तों अभी जो मामला है ना वो सुप्रीम कोर्ट जाने को पूरे आसार है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला तो समय लगेगा, ये बात आप नकार नहीं सकते हैं। और दोस्तों जो भी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो वो गलत कह रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट दोस्तों देखिए हर एक केस जाता है, अब बस यही सरकार के पास एक रहेगी पावर। अगर मान लेते इन केस 260-265 की जीत होती है डबल बेंच से, तो क्या दोस्तों सरकार अंतरिम राहत पर आपको नौकरी देगी? बस यही एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों। अगर सरकार ने नौकरी आपको दे दी तो सब कुछ वेल एंड गुड है दोस्तों, अगर नहीं दी तो फिर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और दोस्तों उसमें भी आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा, तकरीबन एक साल। मतलब बेमतलब का दोस्तों आप कितना इंतजार करेंगे? 2019 से दोस्तों करते करते 2020 भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2021 या 22 में आप नौकरी पाएंगे। उससे अच्छा है कि अगर आप कहीं और तैयारी करें वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों जनवरी में अंतिम सप्ताह में आपकी सुनवाई शुरू होने के आसार है। सुनवाई शुरू होगी, 1 से 2 हफ्ते मान लेते सुनवाई चलती है, उसके बाद आपका मामला ऑर्डर को रिजर्व किया जाएगा, उसके 1 से 2 महीने बाद आपका ऑर्डर जारी होगा। तो वहाँ अभी अच्छा खासा आपका समय लगेगा। तो दोस्तों इस समय सबसे अच्छी बुद्धिमानी इसी में होगी कि आप कुछ तैयारी करें और आगे की देखें और कहीं ना कहीं नौकरी का दोस्तों प्रयास करें, ठीक है ना? फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, और आप लोग तैयारी करते रहें।